ये कहानी आज से बरसों पहले एक दिवाली की रात से शुरू होती है। एक तरफ सारा का सारा शहर रोशनियों से चकमगा रहा था और दूसरी तरफ सिर्फ एक घर में अंधेरा था। ये लालटेन क्यों जला रखी है? लाइट काट दी गई है। सारे शहर में रोशनी है, बस इसी घर में अंधेरा है। हर घर में खुशियां हैं, इसी घर में मातम है। ये आज तुम्हें क्या हो गया लक्ष्मी? चंद दिनों की तकलीफ ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है। ये चंद दिनों की तकलीफ नहीं, जिंदगी भर का रोग है। न जाने वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जिस दिन मैं अपने अमीर बाप का घर छोड़कर इस नर्क में चली आई। मैं पूछती हूँ, आखिर मेरे बाप के घर जाकर रहने में तुम्हारी कौन सी इज्जत कम हो जाएगी? मैं बेईमान धनवान का घर जवाई बनकर नहीं रह सकता। तो आज ये फैसला करना होगा, तुम्हें अपनी बीवी और बच्चा चाहिए या गरीबी की भट्टी में झोंक देने वाले अपने उसूल? मैं अपने उसूलों के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। तो ठीक है, मैं ही इस नर को छोड़कर अपने बाप के घर चल जाती हूँ। तुम जाना चाहती हो तो जा सकती हो, लेकिन बच्चा मेरे पास रहेगा। लो, संभालो अपना बच्चा और साथ में ये सुहागरात का दिया हुआ लॉकेट भी। फिर उसके बाद लक्ष्मी ने अपने पिता के कहने पर कैलाश पति सिंह के साथ सिविल मैरिज कर ली। रामलाल अपने बेटे संतोष को लेकर एक नए मोहल्ले में रहने लगा, जहां उसे शांति से बहन का प्यार मिला। दिन, महीने, साल बीत गए और संतोष 10 वर्ष का हो गया। साईं बाबा, गरीबी और सच्चाई के कारण माँ ने बापू को छोड़ दिया, मुझे छोड़ दिया। तेरे संसार में माँ बच्चे को भी छोड़ जाती है। अगर वो मुझे मिले तो मैं उससे पूछूंगा कि बोल माँ, तुझे वापस कितने में खरीदा जा सकता है? तेरी कीमत क्या है? पापा कुछ बताते ही नहीं, मैं क्या करूं? भैया, संतोषी, क्या हम में से किसी को भी पता नहीं आपकी पत्नी कहाँ है, कैसी है? गड़े मुर्दे उखाड़ने से क्या फायदा है शांति बहन? शांति बहन, मैंने अविनाश हसारिका का नाम संतोष के स्कूल में लिखा दिया है। संतोष बेटा, कल जाते वक्त इन दोनों को भी साथ में लेकर। अच्छा, क्यों, ठीक है ना शांति बहन? भैया, जब से अविनाश और सारिका के पिताजी का देहांत हुआ है, आप ही ने तो हमें संभाला है, और कितने एहसान करेंगे मुझ पर? कर्तव्य निभाना एहसान नहीं होता शांति बहन, एहसान तो आपके हैं मुझ पर। मैं चला जाता हूँ तो आप संतोष की देखभाल करती हैं, क्या ये कम है? अच्छा, मैं चलता हूँ, यूनियन की मीटिंग है। रामलाल, क्या हुआ? किसने किया ये रामलाल? मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे कुछ नहीं मालूम। हरि सिंह, ये रॉकेट संतोष के गले में डाल दो। बेटे, बाबा, ये क्या हुआ बाबा? बेटे, ये तेरी माँ की आखिरी निशानी है, इसे हमेशा अपने पास रखना। बाबा, बेटे, इसमें तेरी माँ की और मेरी तस्वीर है, इसे खोल के देख लो। नहीं, मैं लॉकेट कभी नहीं खोलूंगा, मैं अपनी माँ की सूरत कभी नहीं देखूंगा। रामलाल की मौत के बाद संतोष को शांति ने अपने बेटे अविनाश और बेटी सारिका के साथ बड़े प्यार से पाला। बचपन से संतोष के सिर्फ दो ही शौक थे, कविता करना और मशीनों से खेलना। ये लो, मैं 1 के 10 नहीं लेता, मेरी मजदूरी सिर्फ 1 रुपया बनती है। ओ, बड़े खुददार लड़के हो, क्या नाम है तुम्हारा? संतोष।
तुम्हारे कोई है? जी बोलिए, फरमाइए। मुझे भिखारी की नहीं किसी मिस्त्री की जरूरत है, गाड़ी खराब हो गई है। जी मैं ठीक किए देता हूँ। तुम? जी बोनट खोलिए। लक्ष्मी नहीं, हमारा इकलौता बेटा कुंदन रोए, ये अच्छी बात नहीं। ना, 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 ना। साहब गाड़ी ठीक हो गई, स्टार्ट कीजिए। गुड, वेरी गुड। क्या हो गया था? साहब तार का तार से रिश्ता होता है, इसकी क्या कीमत? ये वही लड़का है जो 10 का 1 और 1 के 10 नहीं लेता। क्यों बेटे? फिर भी। जी अगर मैं किसी कीमत के लायक हूँ तो मेरी तरफ से इस रोते हुए बच्चे को शराब नहीं दूध पिलाइए। कितना खुद्दार लड़का है। हाँ, हमारे मुंह पे तो तमाचा मार गया। कुंदन के बापू, कुंदन के बापू। हमारे एक सवाल का जवाब देंगे? पूछिए। आप बेचैन क्यों हैं? और इस बेचैनी की वजह? वजह? दुनिया का मेला, आदमी अकेला, जगह जगह पे भूख, बेरोजगारी, बलात्कार, भ्रष्टाचार, चारों ओर मुरझाए निराश चेहरे, चेहरों की चिताएं, चिताएं जिनमें आग नहीं धुआं है धुआं। इसलिए तो मैं आज मैं बेचैन हूँ यार, मैं बेचैन हूँ। आज मैं बेचैन हूँ यार, मैं बेचैन हूँ। आज मैं बेचैन हूँ यार, मैं बेचैन हूँ। ये महज तन्हाइयां, महसूस करते हैं तो मैं आपसे पूछती हूँ कि आप अपनी बात को, अपने जज्बात के सैलाब को निजाम के दरो दीवार तक क्यों नहीं पहुँचाते? दरो दीवार? यहाँ दरवाजा है ही कहाँ, बस दीवारें ही दीवारें हैं। और जब भी इन दीवारों पर नजर डालो तो एक हुक्मनामा सा चिपका हुआ नजर आता है जिस पे हमेशा यही लिखा होता है, गीत गाना है मना, मुस्कुराना है मना। गीत गाना है मना, मुस्कुराना है मना। सर उठाना है मना, यार मैं बेचैन हूँ। आज मैं बेचैन हूँ, यार मैं बेचैन हूँ।
बहन, आई एम सॉरी। थैंक यू। हमारे बीमार और खराब मिल को ठीक करने के लिए फॉरेन से कितने ही एक्सपर्ट आए हैं, लेकिन वो ठीक नहीं कर सके। और आप एक मामूली से इंजीनियर जिसे कोई तजुर्बा ही नहीं है, वो क्या ठीक करेगा? मैडम, जिन लोगों के इरादे बीमार हों, मैं उनका कुछ नहीं कर सकता, लेकिन आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं आपकी खराब मिल जरूर ठीक कर दूंगा। नॉनसेंस। इस नॉनसेंस की क्या सेंस है? ये मैं बताती हूँ। नमस्कार। हेलो। हमारे फोरमैन हरि सिंह ने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बता दिया है। बहुत अच्छे आदमी हो। संतोष जी, तुम वही हो ना जो एक के दस और दस का एक नहीं लेते? आपकी याददाश्त की प्रशंसा कैसे करूं? जीवन की अच्छी बुरी घटनाओं को मैं सिर्फ डायरी में ही नहीं बल्कि अपने मन में भी लिख लेती हूँ। अच्छी बात है। संतोष जी, ये मेरे स्वर्गीय पति के छोटे भाई आज्ञापाल जी। नमस्कार। नमस्ते। और ये मेरी भतीजी जी, उनसे मिल चुका हूँ। इनकी बेटी और मैं अपनी मम्मी का इकलौता बेटा, वैसे नाम से नहीं, वैसे भी कुंदन हूँ। कुंदन। कुंदन बेटे, मिस्टर संतोष को नौकरी का अपॉइंटमेंट लेटर दिलवा दो। नहीं आंटी। बेटी, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि भाभी का फैसला बिल्कुल अटल होता है, और वैसे भी बच्चों को बड़ों के मामले में दखल नहीं देना चाहिए। नेक राय है। मिस्टर संतोष जी, तुम कुंदन के साथ जाकर अपॉइंटमेंट लेटर ले लो और कल से हमारी बीमार मिल का काम शुरू कर दो। जी, बहुत 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 धन्यवाद। आइए चलिए। नॉनसेंस। भैया, अपने बीमार मिल के ब्लू प्रिंट पर उस समय तक लगे रहेंगे जब तक उसके बीमार पुर्जे न ढूंढ लें। तब तक आप लोग तो खाने वाले हैं नहीं। मुझे भूख लगी, मैं खा रहा हूँ। हाँ, मगर एक बात है, भैया के बीमार मिल अगर ठीक हो गए ना तो भैया की बड़ी जय जयकार होगी, और फिर मैं भी कोई कुर्सी पकड़ लूंगा। अरे, आज तक जो भी कुछ बना है, जो भी कुछ किया है, उसी के कारण तो हुआ है। कभी अपने आप ही किया तूने कुछ? माँ, एक बार कुर्सी तो मिल जाए। फिर वही कुर्सी? हाय हाय, बड़ी कुत्ती चीज है ये कुर्सी। मिलेगी मिलेगी, लेकिन पहले भैया के बीमार मिल की सोचो। कसम यूनियन की, आपने वर्कर्स तो बुला लिया मैडम, लेकिन यूनियन लीडर होने के नाते मेरा ये फर्ज है कि आपको बता दूं कि ये फैक्ट्री चले या ना चले, आपको एक महीने की तनख्वाह देनी पड़ेगी। हाँ, कसम यूनियन की। आंटी, मुझे शक ही नहीं, यकीन है, इतने काबिल इंजीनियर इस मशीन को ठीक नहीं कर सके तो ये नौसिखिया क्या करेगा? ये नौसिखिया नहीं, ये वो है जो एक के दस और दस का एक नहीं लेता। मैं इसे बहुत मुद्दत से जानती हूं और अब तुम भी जान जाओगी। अहमद भाई, जरा पावर ऑन करना। आंटी, आप मुझे ये दिखाने वाले थे? काका, जरा जरा ये थोड़ा देना। ये ला पुत्र। मैं तुम्हें ये दिखाना चाहती थी। देखो तो संतोष को है कितना स्मार्ट, एक हथौड़ा मार कर दी मिल स्टार्ट। काम अब जहां रुकेगा, हथौड़ा वहां चलेगा। तुमने इन बीमार मशीनों में जान डाल दी। इसी खुशी में आज हम एक शानदार पार्टी देंगे। बहुत बहुत मुबारक हो संतोष जी। काश ऐसा बेटा भगवान हर माँ को दे। कांग्रेचुलेशन।
मुझे तो शक ही नहीं बल्कि यकीन था आंटी इंजीनियर को नहीं किसी अनाड़ी को पकड़ के ले आए, लेकिन आपने मशीन ठीक करके हमारा दिल जीत लिया। वाह 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 वाह, फूल लेकर फूल आई। फूल कर मैंने कहा, फूल तो तुम खुद हो मेरी जान, फूल से होता है क्या हा? वैसे ये फूल आपसे ज्यादा खूबसूरत नहीं। ये फूल आप खुद अपने हाथों से मेरे कोट में लगाएंगी या मैं खुद ही तकलीफ कर? इसका जवाब मैं कई बार दे चुकी हूँ। बड़ी देर लगा दी बेटी तुमने। ओ, टीवी स्टेशन पर कुछ काम। अच्छा अच्छा अच्छा। मुनीम जी, हम आपको इतनी ढेर सारी तनख्वाह के साथ साथ ढेर सारा बोनस भी देते हैं, लेकिन आपकी बेटी है कि हमें फूल तक नहीं देती। ये तो आप जाने और ये जाने। कविता देवी, हाँ तो मैं ये कह रहा था कि आप गौर से देखिए कुंदन बाबू को, हा? सर से पांव तक इनकी पर्सनालिटी को देखिए, क्या पर्सनालिटी, हाँ, 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 क्या पर्सनालिटी है। दे दीजिए ना गुलाब का फूल। और रही संतोष भैया की बात, तो उन्हें आज आप गोभी का फूल दे दीजिए, सवेरे घर पर नाश्ते के काम आ जाएगा। सही, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो दीदी। अच्छा, आदमी काम के लगते हो। दुख तो इसी बात का है कुंदन बाबू कि मेरे पास काम नहीं। भैया की जैकेट में वो फूल वाली जगह खाली है। भैया, आप तो जानते हैं कि ये फूल किसने दिया है। मैं क्या जानू? बनो मत भाई, लो। Excuse me, मिस्टर, क्या नाम बताया था आपने? जी, अविनाश। मिस्टर अविनाश, ये बात भूलिए कि रचना जी मेरी चचेरी बहन है। Oh, I'm so sorry, sir. सर 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 सर, और आप ये मत भूलिएगा सर, मेरा मतलब याद रखिएगा, ये मेरी बहन है मुन्नी सारिका। अरे बहुत बड़े आदमी है, नमस्ते करो कुंदन बाबू। अरे भाई बहन इतनी खूबसूरत और तुम, खैर तुम कहते हो तुम आ लेते। हेलो, अरे आप कुछ ले दी गई, बेटा एक डोट लाओ। सारिका जी, वैसे मैं एक बहुत ही साफ को इंसान हूँ जो दिल में होता कह देता हूँ। अब देखिए ना, मेरी माँ को बरसों से सिर्फ एक ही चिंता है कि मेरी शादी नहीं हुई, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे कोई काम की लड़की नहीं मिलती। अब किसी को देखने के बाद लगता है कि मेरी माँ की तमन्ना पूरी हो जाएगी। ये लीजिए। One day I will do it. Sir! आपके हाथ में खाली ग्लास कुछ अच्छा नहीं लगता सर। सॉरी सर, लीजिए ना। थैंक यू। अच्छा सर, मैं कल दिन में 12 बजे आपके पास आ जाऊं। आ जाओ। ये रहा तुम्हारा ऑफिस और ये रही तुम्हारी कुर्सी। थैंक यू वेरी मच सर। लेकिन इस कुर्सी का कभी गलत इस्तेमाल मत करना। अजी बॉस, मैं तो हुक्म का गुलाम हूँ, जैसा हुक्म मिलेगा वैसे मैं करता जाऊंगा। गुड। हाय रे कुर्सी, कौन है इस दुनिया में जिसे तेरी जरूरत नहीं। अपने इस नए उम्मीदवार को स्वीकार करो, और हाँ, मैं तुझ पे बोझ बनकर कभी नहीं बैठूंगा, बल्कि तेरा बोझ अपने सर पे उठा के रखूंगा। हाय रे मेरी माशूक, ऐ मेरी जाने तमन्ना, आजा ले ले मुझे अपनी आगोश में। अरे ले ले। हाँ, कविन आई कुत्ता। अबे मैंने चपरासी को बुलाया था, कुत्ते को नहीं, तू कहां से आ गया है? आउट आउट, अबे दफा हो जा, दफा हो जा। वो कमबख्त अभी टेबल पे बैठा है, थोड़ी देर के बाद मेरे सर पे बैठेगा क्या है? अरे कुत्ता कुर्सी पे, कुत्ता कहीं निकल बाहर। रजनी आप कि देखिए ना, देखिए क्या जमाना गया, कुत्ते आकर कुर्सी पे बैठने लगे और ये कुत्ता मेरे ही कुर्सी पे आके बैठ गया। ये तो इसका हक है, है? लेकिन आप इस दफ्तर में कैसे घुसा है? क्या है कि आजकल मैं भी कुत्ता बन गया हूँ ना। कम बेच जी, कुत्ता बन गया रचना जी। फरमाइए।
आप रुक क्यों गए? मैं ये कह रहा था कि आपका ये कुत्ता जो है ना बहुत प्यारा है, चौचुईट है, लगता है किसी 16 साल की बालक की छलछलाती जवानी की तरह है। लगता है कुत्तों से आपको बहुत लगाव है। नहीं जी, नहीं जी, ये मेरी सहेली का कुत्ता है, पीछे पड़ गया था इसलिए साथ ले आई, वरना मुझे कुत्तों से बिल्कुल लगाव नहीं। होना भी नहीं चाहिए, कुत्तों से लगाव होना भी नहीं चाहिए। आदमी को खाने के लिए पैसे नहीं मिल रहे और लोग कुत्ते पालने के शौक के पीछे पड़े हुए, बताइए कितनी ज्यादती है। नहीं कमाल है, अभी तो आप कुत्तों की बहुत तारीफ कर रहे थे। मारिए गोली कुत्तों को, देखिए मैं नौकरी आपकी करता हूँ, कुत्ते की थोड़ी, मैं तो आपको खुश करने की कोशिश कर रहा था। ओह, आप मुझे तो खुश नहीं कर पाए, लेकिन लगता है मेरे भाई के दफ्तर में आपका भविष्य बहुत उज्जवल है। सो तो है ही, हो गया ना। कैसे आप? आप? आप नहीं, आप, आप, आप कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ, आप कैसी हैं? ना आगे मत बढ़िएगा। क्यों? क्योंकि इस मशीन में करंट का लोड बहुत ज्यादा है, आगे बढ़ेगी तो चिपक जाएगी। मैं भी तो यही चाहती। क्या कहा आपने? आंटी ने आपको उस शेड में बुलाया है। तो फिर चलिए आइए। क्यों शर्मा जी? हाँ हुल्लड़ जी। अरे वो करंट वाली बात सुनी? सुनी। तो मैं उस पर एक दुमदार दोहा सुनाता हूँ। दुमदार दोहा तो तने पिछली बार भी सुनाया था। हाँ। मैं चार लाइन सुना रही हूँ। सुना तो सुन। हाँ। दोस्त टेरियो है। हाँ। शर्मा जी। हाँ। या रचना करंट बनके संतोष के चिपकनो चावे है। अब के होवेगो? के होवेगो? मैं बोलो संतोष की कविता को तो कुछ नहीं बिगड़ेगो, पर रचना को फ्यूज उड़ जावेगो। भाई अबे ये क्या बेटों के आग रहा है, है? संतोष भैया को माल किन ने बुलवाया है? संतोष जी, क्या ये मुमकिन है कि दिवाली तक हम अपने एजेंटों को 20,000 तक थान सप्लाई कर सके? मालकिन शायद आपको मजदूरों के हाथों की ताकत का अंदाजा नहीं। मैं समझी नहीं। अगर आप अपने नफे में से उनको उनका हिस्सा दें तो दिवाली तक 20,000 थान के 40,000 हो सकते हैं। वो कैसे? मजदूर साथियों को 6 नहीं 3 महीने का बोनस देगा। What do you mean? सिर्फ बोनस ही नहीं, खाने पीने के साथ मेडिकल एड का बंदोबस्ती करना पड़ेगा। हमें मंजूर है। तो समझिए आज से ही काम शुरू, मशीनें दिन रात चलेंगी। हाय। हाय। क्या बात है, बस स्टॉप पर क्यों खड़ी है? घर जाने के लिए बस का इंतजार कर रही हूँ। ऐसी क्या बात है? कमाल करती हैं आप। लानत है हम पे, हम गाड़ी से जाए और आप बस से जाएंगी? ऐसा कैसे हो सकता है? चलिए आज आप हमारी गाड़ी से जाइए, हम आपकी जगह बस से जाएंगे। ये लीजिए गाड़ी की चाबी। आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं, और ऐसे भी मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती। अच्छा, इसमें मुश्किल कौन सी बात है? चलिए हम आपको सिखा देते हैं। चलिए बैठिए। सुरेंदर। हाँ। रचना जी का संतोष भैया की जैकेट में फूल लगाने का अर्थ? यानी बिचारी रचना की कोशिश गई व्यर्थ। मतलब? मतलब ये रचना जी ने तो संतोष जी की जैकेट में गुलाब का फूल लगा दिया, लेकिन संतोष भैया रचना जी के जूड़े में गोभी को फूल भी नहीं लगा। अरे वाह, तुम तो बहुत एक्सपर्ट हो गई हो, बहुत जल्दी। अब जब जरा लेफ्ट को लेकर क्लब के अंदर ले। क्लब में क्यों? अरे भाई लोगों को मालूम तो हो कि तुम कितनी अच्छी गाड़ी चलाने लगी हो। हाँ?
हुल्लड़। हाँ जी ये लीजिए। पानी दे। आप, मैंने आपको कितनी बार समझाया कि आप मेरे लिए इतना कष्ट मत किया कीजिए। मैं आपके लिए कष्ट बिल्कुल नहीं करना चाहती। तो ये सब क्या करूं मैं? कमबख्त दिल मानता ही नहीं। जी जी। सुरेंद्र ये सब देख के क्या कहेंगे लोग? कहना क्या, यही कहेंगे प्रेम रोग। तुम भी धूप में इतनी देर गाड़ी चलाते चलाते थक गई होगी। Come on, have a drink. Come on. नहीं नहीं, मैं शराब नहीं पीती। एक ग्लास पानी मिलेगा? अरे पानी तो आजकल बड़े घरों में कपड़े धोने वोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, प्यास बुझाने के लिए नहीं। कमा नहीं। मैं जानता था तुम शराब नहीं पीती, इसलिए मैं तुम्हारे लिए ऑरेंज लेकर आया। Come on, it is orange. सूंघ लो। अरे भाई सूंघ लो, है ना? Cheers. Cheers. संतोष भैया मशीन बिगड़ गई है, जल्दी आना। आया, पहले मेन स्विच ऑफ कर दो। कर रहे हैं। सुरेंद्र हुल्लड़ खाना ले आओ, यही खा लेंगे। लाते हैं जल्दी। सुरेंद्र, रचना जी का संतोष भैया की जूटी रोटी खाने का मतलब? मतलब तो मैंने साफ नजर आ रही है कि रचना जी संतोष जी को डायरेक्ट किस नहीं कर पाई ना, तो इनडायरेक्ट किस हो रही है। अरे खाना जल्दी लाओ। आ रहे हैं। ये क्या किया तुमने? मैं दुनिया को मोदी खाने के काबिल नहीं रहूंगी। 20,000 की बजाय 60,000 गांठे कपड़ा तैयार हुआ है। देख लीजिए। जी हाँ, फायदा ही फायदा है। अविनाश जी, हमें तुम्हारे भाई संतोष पे गर्व है। क्या हो रहा है? मजदूरों का इनाम। काका जरा गिनना इस लिफाफे में कितने रुपए हैं। 420, मतलब एक महीने का बोनस। और ये देखिए, आपने दस्तखत किए हैं 3 महीने के बोनस पर। और तेरी तो काका, मुनीम जी का इसमें कोई दोष नहीं। अगर कोई दोषी है तो मालकिन है। मालकिन ये तो वही करते हैं जो इन्हें कहा जाता है। हम में से कोई बोनस नहीं लेगा। हाँ, कोई नहीं लेगा। चलो भाई। काका, जो जो लोग बोनस ले चुके हैं उनसे कहो यहाँ आके वापस कर दें। भैया हाँ? क्या कर रहे हैं आपको तो बोनस पूरा मिलेगा ना। अविनाश, सवाल मेरा नहीं, सवाल इन गरीब मजदूरों का है जिन्होंने दिन रात अपना पसीना बहाया, वादा पूरा किया। अब अगर ये बोनस लेंगे तो पूरा लेंगे, लेकिन इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा संतोष। अंजाम किसका? अविनाश अपने भाई को समझाओ। Make this man understand, all right? या आप समझते नहीं है। अविनाश, अगर मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं ना, तो ये सब मजदूर तुम्हारे भाई हैं। अगर कुछ दिलवा सकते हो तो इनको इनका हक दिलवाओ। मगर आप तो जानते हैं सब कुछ मालकिन के हाथ में। और मालकिन, और कह दो कि मालकिन बंबई गई हुई। हाँ, लौट के आने दो, देखना हम अपना हक कैसे लेते हैं। हाँ। अरे बाप रे बाप, ये कैसा भाई है? अरे अपना नहीं तो कम से कम मेरी नौकरी का सोचो, माँ का सोचो, मुन्नी का सोचो। क्यों सोचे, क्या सोचे, किसके लिए सोचे? आपने 3 महीने का बोनस का वादा किया है, अपने वादे का सोचिए। हमें उस वादे से कहां इनकार है? लेकिन मालकिन, एक महीने का बोनस देकर 3 महीने के बोनस पर दस्तखत लिए जाएं, क्या ये ईमानदारी है, धोखाधड़ी नहीं? बिल्कुल झूठ और धोखाधड़ी है। 4 दिन बंबई क्या गई, पीछे से सारी बातें उल्टी सुल्टी हो गई। संतोष, हम मजदूरों को 3 महीने का बोनस यकीनन देंगे, बल्कि यही नहीं, हम तो ये सोच रहे हैं उनके रहने के लिए खुले हवादार मकान,
सेहत के लिए अस्पताल और बच्चों के लिए स्कूल खोलेंगे। मजदूर सिर्फ हमारे बाजू ही नहीं बल्कि हमारे सुख चैन के पेड़ की जड़ें हैं। लेकिन लेकिन क्या? लेकिन लेकिन आजकल हमारा हाथ जरा तंग है। जो भी माल हमने सप्लाई किया था उसका एक पैसा भी अभी तक वापस नहीं मिला। हम मजदूरों को उनका बोनस देंगे और ब्याज के साथ देंगे। देखा, जो मैं ना कह सकी वो मेरे बेटे कुंदन ने कह दिया। और बस उनको बस इतना कह दो भाई कि एक महीने का बोनस अभी ले ले ताकि दिवाली का त्योहार हंसी खुशी मना सके। मालकिन, क्या मैं विश्वास कर लूं? कुंदन का वादा हमारा वादा है। मुझे आपसे यही उम्मीद थी। चलो, धन्यवाद। मम्मी, ये 3 महीने का बोनस, स्कूल, हॉस्पिटल, क्वार्टर्स वगैरह वगैरह, ये सब वादे आप पूरे करने वाली है क्या? पागल हो गए हो तुम? जब वादों पे देश, समाज और हुकूमतें चलाई जा सकती हैं, तो फिर ये मिले क्यों नहीं चलाई जा सकती? वाह, यू आर ग्रेट मम्मी, यू आर ग्रेट। किन याद में खोए हो? अरे रचना जी, क्या पूछा आपने? मैंने कहा किन यादों में खोए हो? यादों में? उन यादों में जिनसे मैं बहुत दूर भाग जाना चाहता हूँ, उन यादों में जिनमें मैं और डूब जाना चाहता हूँ। दिवाली की रात है, सारा शहर खुशियां मना रहा है और तुम यहाँ अकेले बैठे हो, क्यों? रचना जी, हर अकेलापन अपने साथ अपनी परछाइयां रखता है, एक भीड़ सी रखता है। मैं हर वो आईना तोड़ देती हूँ जिसमें भीड़ हो या सिर्फ अकेलापन। हमने भी आईने के 100 टुकड़े किए, एक में भी तन्हा थे, 100 में भी अकेले। मेरे साथ चलोगे? कहाँ? जहाँ दिल से दिल की बात हो सके। हैं? रचना जी, मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ और महसूस भी कर रहा हूँ कि आपके कदम उस रास्ते पर बढ़ रहे हैं जिस पे चल के आप मंजिल तक नहीं पहुँच सकती। क्या मतलब? मतलब ये है कि रचना 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 है और कविता कविता है? क्या हुआ संतोष? मेरी मंजिल क्या है मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम कविता से प्यार करते हो ना, ये तो बहुत खुशी की बात है। मेरी सहेली बहुत खुशकिस्मत है। ये आँखों से आँखों का मिलना है क्या, बिना बोले होठों का हिलना है क्या, मुझे इनका मतलब तो समझाइए, ख्यालों में फूलों का खिलना है क्या, न यूं चुप रहो मुझको बताओ तुम्हें प्यार कैसे करूं, बताओ तुम्हें प्यार कैसे करूं, मुझे प्यार करने की आदत नहीं, मैं जैसा भी हूं, हाँ जैसा भी हूं, सामने हूं खड़ा, मुझे कुछ छुपाने की आदत नहीं, बताओ तुम्हें प्यार कैसे करूं, मुझे प्यार करने की आदत नहीं।
इतनी फुर्सत मिली है कहाँ, जो पढ़ता तुम्हारे नयन की गजल, मुझे आज लगता है सच मान लो ये चेहरा नहीं है गुलाबी कंवल। ये दिल कैसे चोरी किया जाएगा, ये दिल कैसे चोरी किया जाएगा, मुझे दिल चुराने की आदत नहीं। मुझे कुछ हुआ है पता है तुम्हें, बड़ी नम हवा है पता है तुम्हें, बदन जल रहा है रगों में मगर, लहू जम गया है पता है तुम्हें, लो सर झुक गया है तुम्हें क्या खबर, लो सर झुक गया है तुम्हें क्या खबर, मुझे सर झुकाने की आदत नहीं। मैं जैसा भी हूँ हाँ जैसा भी हूँ सामने हूँ खड़ा, मुझे कुछ छुपाने की आदत नहीं। बताओ तुम्हें प्यार कैसे करूं, मुझे प्यार करने की आदत नहीं। आग लग गई है सरकार, माय बाप हुजूर। कहने को ये दफ्तर का हिसाब है, वैसे मुनीम दीन दयाल जी के लिए सीधा जेल का वारंट है, देख लीजिए। कैसे कैसे? अरे हुजूर ऐसा चक्कर चलाया है कि मुनीम दीन दयाल पर बड़ी आसानी के साथ आप 50,000 रुपए गबन का इल्जाम लगाकर उसका सर अपने किसी भी फटे पुराने जूते में फिट करके मामला हिट कर सकते हैं। गुड, वेरी वेल डन अविनाश, लेकिन तुमने ये सब किया कैसे? देखिए हुजूर ये बड़ी ज्यादती है, मैंने आपसे कभी पूछा कि आप मुनीम दीन दयाल जैसे नेक और ईमानदार आदमी को बेईमान साबित करने के लिए मुझे क्यों कहा, बताइए। कभी पूछना भी नहीं बरखुरदार, इस ऑफिस में पर्सनल सेक्रेटरी के बाद तुम्हारे लिए मैनेजर की कुर्सी खाली है। हुजूर आपस की बात है, मेरी नजर तो जनरल मैनेजर की कुर्सी पे लगी हुई है। जी हाँ। मैं हुजूर मुनीम दीन दयाल को अंदर भेज दूं? अब देखता हूँ ये कविता मेरे हाथों से कैसे फिसलेगी। मेरे हाल पर तरस खाइए, मेरे हाल पर तरस खाइए। मैं एक व्यापारी हूँ सौदागर, बोलो सौदा करोगे? कहिए मैं क्या कर सकता हूँ। एक हाथ से ये किताब ले लो और दूसरे हाथ से अपनी इकलौती बेटी कविता का हाथ मेरे हाथ में दे दो। ये नहीं हो सकता। ऐसा होगा, ऐसा ही होगा दीन दयाल। अविनाश पुलिस को टेलीफोन करके बुला लो। नहीं, नहीं, ये अन्याय है, अन्याय है, ये अन्याय। अंकल जी ये 50,000 रुपये का गबन, कुंदन से शादी, मेरे पिताजी कुछ बेहोशी में बड़बड़ा रहे हैं। हाँ बेटी, तुम्हारे पिताजी पर 50,000 रुपए के गबन का इल्जाम है। मेरे पिताजी 1 रुपये की बेईमानी नहीं कर सकते, ये सब झूठ है। ये सच है बेटी, कुंदन के पास इसका सबूत भी मौजूद है। देखो बेटी, अभी तक ये बात मालकिन के पास नहीं पहुंची है, अगर तुम कुंदन से शादी के लिए हाँ कह दो तो ये बात यहीं रफा दफा हो सकती है। कुंदन से शादी, ये कभी नहीं हो सकता, मैं किसी भी कीमत पर उसे शादी नहीं करूंगी। मैडम आपके पिताजी को होश आ गया है। लेकिन होश आने के बाद इनको कोई सदमा नहीं पहुंचना चाहिए,
खतरनाक साबित हो सकता है। सीता जी, भगवान ने आपको नया जन्म दिया है। इस मौके पर मैं आपको एक खुशखबरी सुनाऊं। आप पर गबन का कोई इल्जाम नहीं है, वो सब झूठ था। कुंदन से मेरे रिश्ते की बात पक्की है। नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता। कविता और संतोष को छोड़ दे। कह कहूं के लिए हम तो मशहूर थे, कह कहूं के लिए हम तो मशहूर थे। देखते देखते गमजदा हो गए, देखते देखते गमजदा हो गए। कह कहूं के लिए हम तो मशहूर थे, देखते देखते गमजदा हो गए। बात कुछ भी नहीं, बात कुछ भी नहीं, बात है भी बहुत। तुम जुदा हो गए, हम जुदा हो गए। तुम जुदा हो गए, हम जुदा हो गए। कह कहूं के लिए हम तो मशहूर थे, देखते देखते गमजदा हो गए। माफ कर ना अगर कुछ बुरा भी लगे, माफ करना अगर कुछ बुरा भी लगे। इस जवानी का कोई भरोसा नहीं, इस जवानी का कोई भरोसा नहीं। हाँ नहीं, हाँ नहीं, हाँ नहीं, हाँ नहीं। एक सजदा तुम्हें हमने क्या कर लिया, तुमने समझा कि तुम तो खुदा हो गए। तुमने समझा कि तुम तो खुदा हो गए। कह कहूं के लिए हम तो मशहूर थे। तुम तो साहिल पे जुड़ा सवारे गए, तुम तो साहिल पे जुड़ा सवारे गए। हम तला तुम्हें कश्ती उतारे गए, हम तला तुम्हें कश्ती उतारे गए। हम तला तुम्हें कश्ती उतारे गए। तुमने गजरे बुने, हमने आंसू चुने। फर्ज दोनों तरफ से अदा हो गए, फर्ज दोनों तरफ से अदा हो गए। के मजे
इस घड़ी के सितम तब भी संतोष था अब भी संतोष है, तब भी संतोष था अब भी संतोष है, अब भी संतोष है। वो तराने जो तुम तक ही मैं दूद थे आज सारे जहां की सजा हो गए, आज सारे जहां की सजा हो गए। कह कहों के लिए हम तो मशहूर थे, देखते देखते गमज़दा हो गए, देखते 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 गमज़दा हो गए। ऐसा लगता है कि हुजूर का मिजाज कुछ बिगड़ा हुआ है। मेरी कोख में तुम्हारा बच्चा पल रहा है और मैं उसकी माँ बनने वाली हूँ। अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं अपने आप को भी मार डालूंगी और तुम्हारे बच्चे को भी, और इसका इल्जाम तुम्हारे सर आएगा। हम ये भी बर्दाश्त कर लेंगे? नहीं, ये क्या बेवकूफी कर रही हो? ऐसी नादानी खुदा के वास्ते मत करो बेटा। तुम कौन हो? मेरा नाम अहमद भाई है हुजूर, आपकी मिलकाय का इतना मुलाजिम हूँ। तुम कौन होते हो हमारे बीच में आने वाले? देखिए हुजूर, मैंने सब कुछ सुन लिया है, सब समझ लिया है। मुन्नी संतोष भैया की बहन है, इस नाते मेरी भी बहन हुई। एक भाई की हैसियत से इल्तिजा कर रहा हूँ हुजूर, इस बेगुनाह का हाथ थाम लीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। जो बोलोगे वही करूँगा। तो फिर खाइए कसम उस पाक परवरदिगार की कि आप मुन्नी से शादी करेंगे, खाइए कसम। मैं उस परवरदिगार की कसम खाता हूँ, भगवान की कसम खाता हूँ, अपनी होने वाली औलाद की कसम खाता हूँ, मैं इसी से शादी करूंगा। लेकिन लेकिन मेरी सिर्फ एक ही इल्तिजा है, ये बात किसी और को नहीं मालूम होनी चाहिए, संतोष को भी नहीं। शेरा, यस ये अहमद भाई जरूरत से ज्यादा ही मेरे बारे में कुछ जान गया है। उसका जिंदा रहना मेरी सेहत के लिए ठीक नहीं है, तुम उसका कांटा खींच दो। अहमद भाई, अहमद भाई हमारे बहुत पुराने और वफादार मुनासिब थे, इनकी मौत से हमें सख्त सदमा पहुंचा है। ऐसा लगता है जैसे जैसे हमारा दायां हाथ कट गया हो। रो मत बेटे, धीरज रखो, बस दुआ करो अहमद भाई की आत्मा को जन्नत नसीब हो। चलो, अबू देखो ना चाचे को क्या हो गया। अहमद मियां उठो, मैं आ गया हूं। अहमद मियां, नहीं उठोगे? सारी जिंदगी मेरा कहना मानते रहे और आज नहीं मानोगे? अहमद मियां, मैं जेल में चक्की पीसता रहा और तुम मेरे बच्चों की परवरिश करते रहे, पालते रहे उनको। अल्लाह, मारना ही था तो मुझे मार देता, मेरे भाई को क्यों मारा? बोल अहमद,
अब तेरे भतीजों की परवरिश कौन करेगा, कौन देखभाल करेगा उनकी? मैं तो कैदी होने की हैसियत से मुझे तो इतना वक्त नहीं दिया कि मैं तेरे जनाजे को कंधा दे सकूं। कौन देगा तेरे जनाजे को कंधा, बोल कौन देगा? हौसला, मैं दूंगा कंधा। और भाई मेरे ये भी याद रखो, ये बच्चे यतीम नहीं हुए। तुम संतोष भाई, संतोष भाई हो? अब मेरा नाम कैसे जानते हैं? मरहूम भाई साहब जब भी जेल में मिलने आया करते थे, हमेशा आप ही का जिक्र करते थे। उनके लिए ऊपर अल्लाह और जमीन पर आप थे बस। खैर छोड़िए, मुझे आपसे एक बात की इजाजत लेनी है। इजाजत? हाँ, मैं मालकिन से अहमद भाई की मौत का मुआवजा लेना चाहता हूँ। मालकिन से मुआवजा? क्या हुआ? कुछ नहीं, कभी कभी पागलपन का एक दौरा से सवार हो जाता है मुझ पर। मैं समझा नहीं। मैं बताता हूँ आपको। सत्यप्रकाश जी ने? कौन सत्यप्रकाश? सत्यप्रकाश जी मालकिन के पुराने यूनियन के लीडर थे। मैं भी मालकिन की मिल में काम करता था। वो मालकिन है ना, वो गरीब मजदूरों का लाखों रुपए हड़प कर गई थी। ओह गॉड। सत्यप्रकाश जी को किस तरह पता चल गया, और उनको ये भी मालूम पड़ गया कि मालकिन अपनी तिजोरी के अंदर बंद अपने काले धंधों का एक खास रिकॉर्ड रखती थी। सत्यप्रकाश जी ने सोचा कि अगर वो रिकॉर्ड हमारे हाथ लग जाए तो हम लोग मालकिन पर दबाव डालकर मजदूरों का हक मांग सकते हैं। हमने वो हासिल करने की कोशिश की, लेकिन पकड़े गए। फिर मालकिन का एक खास आदमी है शेरा, उसने सत्यप्रकाश जी का कत्ल कर दिया और उस कत्ल के इल्जाम में मुझे फंसा दिया और जेल भिजवा दिया। मैं कुरान पाक की कसम खा के आपसे कहता हूँ, जो कुछ मैंने कहा है 100% सही। संतोष, अहमद भाई जैसे दो कौड़ी के मजदूर के लिए तुम हमसे झगड़ा मोल ले रहे हो? मजदूर और दो कौड़ी का? ठीक ठीक। मालकिन, भूल गई, आपने कहा था कि मजदूर सिर्फ आपके बाजू नहीं बल्कि आपके सुख चैन के पेड़ की जड़ें हैं। मालकिन, जिस दिन ये जड़ें सूख गई ना, उस दिन आपके सुख चैन का पेड़ सूख जाएगा, टूट जाएगा। मेरे पास भाषण सुनने का वक्त नहीं है। तो मेरी प्रार्थना सुन लीजिए। कहो। अपना वादा पूरा कीजिए। कौन सा वादा? आपने अभी मजदूरों को 2 महीने का बोनस और देना है। उनको वक्त पे तनख्वाह मिल जाती है, ये एहसान क्या कम है? बड़े लोग अक्सर छोटी छोटी बातें करते हैं। अपनी जबान को लगाम दो। अहमद भाई की मौत का मुआवजा? कैसा मुआवजा? अहमद भाई काम करते वक्त मरा, और ये भी सुन लीजिए कि अहमद भाई गिरा नहीं, उसे गिरा गया। उसका सबूत? अच्छा सबूत? सबूत मैं ले आया हूँ। मैडम ये देखिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट, इसमें साफ लिखा है कि अहमद भाई शराबी कबाबी था। शराब? अरे अहमद भाई एक सच्चा मुसलमान था, 5 वक्त की नमाज पढ़ता था। ऐसे नेक आदमी पे ऐसा कलंक लगाना महापाप है अविनाश। भैया आप अपनी आंखों से पढ़िए ना पोस्टमार्टम रिपोर्ट, देखिए क्या लिखा है इसमें। कितने रिश्वत दी इसके लिए? कितना खर्च किया मालकिन ने? सिर्फ 9,000 रुपए। अविनाश बोलने दीजिए ना इसे। खामोश। वक्त से डरो मालकिन। वक्त लक्ष्मी देवी से डरता है। ये तो वक्त ही बताएगा। बकवास बंद करो और दफा हो जाओ यहाँ से। मैं यहाँ कुछ पल और रुका, मेरा भी दम घुट जाएगा। तुम्हें इसी वक्त नौकरी से निकाल दिया जाता है। मेरी जिंदगी पे आपका ये पहला एहसान है। ये लीजिए चाबियां और जय हिंद। पागल हो गया है, दिमाग खराब हो गया है इसका। भगवान ये क्या हो गया? मालकिन गुस्सा कम कीजिए। खबरदार अविनाश, मैं भैया को समझा लूंगा ना। नहीं अविनाश, आज से तुम्हारी तरक्की है? संतोष का बंगला तुम्हारा, उसकी कार तुम्हारी। मालकिन, लेकिन एक शर्त है, उस बंगले में संतोष नहीं रहेगा। हाँ? अविनाश तुम होश में तो हो? जानते हो तुम क्या कह रहे हो? माँ तुम मुझसे कितनी बार पूछ चुकी हो, मैं तुम्हें कितनी बार बताऊंगा? अविनाश के बड़े भाई संतोष को सिर्फ नौकरी से ही नहीं निकाला गया, बल्कि मालकिन का ये हुक्म है
कि संतोष को इस घर से भी निकाल दिया जाए। मालकिन होगी अपने घर में। ये घर उसी मालकिन का है माँ, और मैं उसका नौकर हूँ। लेकिन संतोष ने किया क्या है? झूठे और खोखले आदर्श और बेकार की जिद। अविनाश देख मेरे भाई, होगा वही जो तू चाहता है, लेकिन एक बार ध्यान से सुन, जिद गलत हो सकती है लेकिन आदर्श कभी खोखले नहीं होते मेरे भाई। दो टके के मजदूरों का साथ कविता और अहमद भाई जैसे लावारिसों के लिए लड़ना अपनी मालकिन से गद्दारी नहीं है क्या? दो टके के होते हैं बेईमान मालिक, ईमानदार मजदूर दो टके का नहीं होता। लेकिन फिर भी अविनाश, अगर तुम इस कदम को गलत समझते हो, इसे पाप समझते हो, तो सब शर्मा। हे भगवान, भैया मैं अब भी कहता हूँ, एक बार मान जाओ, जिद मत करो, मान जाओ, एक बार मालकिन से माफी मांग लो, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ मैं तुम्हारी नौकरी वापस दिलवाऊंगा। हे मेरे भोले भाई, तू जानता नहीं कि तेरा बड़ा भाई तू कर नहीं डांटता। जानते इसका अंजाम क्या होगा? अरे क्या हो जाएगा? यही होगा कि आज नहीं तो कल मालकिन मुझको भी इस घर से बाहर निकाल देगी, और उसके बाद हम सब के सब सड़कों पे आ जाएंगे। अविनाश, सड़कों पर मालकिन का नहीं, हम जैसों का अधिकार है। तुम्हारा तो हर बात पे अधिकार है, तो फिर लगवा दो ताले मिलों में, बंद करवा दो कारखानों को, भूखा मारो मजदूरों को, मुन्नी से लगवाओ झाड़ू गलियों में, और मां से तोड़वाओ पत्थर। अविनाश देख, तेरे बड़े भाई के पास सभी अधिकार हैं, लेकिन मैं वो अधिकार क्यों रखूं जिससे मैं तेरी खुशियों में आग लगा दूं? मेरा फैसला सुन, ऐसे मालकिन ने कहा है, वैसे मैं आज इस घर को छोड़ दूंगा। नहीं। हाँ भैया, मेरा भी यही ख्याल है, इसी में हम सबकी भलाई है। हाँ। क्या कहा? तू संतोष को इस घर से निकालेगा? तेरी ये हिम्मत, तू पागल हो गया क्या? नहीं माँ, नहीं, मैं इसे जान से मार डालूंगा। माँ, नहीं, छोड़ इसे, नहीं माँ, नहीं, इसमें इसका कोई दोष नहीं, अविनाश का कोई दोष नहीं। तो मैं भी इस घर में नहीं रहूंगी, मुन्नी भी नहीं रहेगी, रहने दो अकेले को, चिंता को यहाँ पर। नहीं माँ, नहीं। देख, तूने हमें अपने आंसुओं से पाला है, हम कभी अलग नहीं रह सकते। मैं, तू, मुन्नी, अविनाश सब साथ में रहेंगे। कुछ दिनों की बात है माँ, तू में मेरी सौगन, अविनाश को अकेला मत छोड़ना। अविनाश देख, बिन मौसम के जो बादल होते हैं ना, वो जल्दी छट जाते हैं, याद रखना। और हाँ, माँ और मुन्नी के साथ साथ अपनी सेहत का भी ध्यान रखना, बेस्ट ऑफ लक। माँ प्रणाम। कैमरा वन टिल्ट करो भाई, कैमरा टू सेंटर करो सेंटर। अरे कविता जी, इधर तो आप जी। क्या प्रोग्राम डायरेक्टर तुम्हें कब से पूछ रहे हैं? कोई खास बात है क्या? याद है पिछले साल जन्माष्टमी पर तुमने कितना बढ़िया प्रोग्राम पेश किया था? याद है। इस साल भी जनता की पुरजोर फरमाइश है कि तुम वैसा ही प्रोग्राम पेश करो। वाह वाह, संतोष ने क्या गीत लिखा था, और तुम भी क्या बढ़िया नाची थी, बिल्कुल कृष्ण की राधिका लग रही थी। Thank you.
कविता, कहाँ खो गई थी तुम? जी कुछ नहीं, देखिए आप प्रोग्राम डायरेक्टर से कह दीजिए मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझसे ये प्रोग्राम नहीं होगा। अरे रचना जी, आप और यहाँ? संतोष, मैंने तुम्हारे लिए बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी ढूंढ ली है। हेलो। अरे हंसने की क्या बात है? आंटी ने नौकरी से निकाला और भतीजी नौकरी दिलवाने के चक्कर में है, लेकिन माफ कीजिएगा रचना जी, मैं आपकी ये भेंट स्वीकार नहीं कर सकता। आखिर क्यों? क्योंकि जो काम पूरा करने का मैंने वचन लिया है, जब तक उसे पूरा ना कर लूं, मैं अपने बारे में सोच भी नहीं सकता। संतोष ने मजदूरों की सोई हुई चेतना को जगाने और वर्ग भेद को मिटाने का बीड़ा उठाया और एक सच्चे कर्मयोगी की तरह इस काम में जुट गया। संतोष की जगाई हुई ज्योति दिए से दिया जगाने लगी और देखते ही देखते रोशनी की वो एक छोटी सी किरण बहुत बड़ा पुंज बन गई, जिसकी चौंध से लक्ष्मी देवी की आंखें चुंधियाने लगी। ये सोचकर उनका मन कांप उठा। इसलिए एक दिन, मैडम आपने मुझे बुलाया? हाँ। सुना है तुम अमजद भाई का केस फिर से खुलवा रहे हो? ठीक सुना आपने। और अहमद भाई की मौत के मुआवजे के लिए तुम अपर कोर्ट में जा रहे हो? गया, ये भी ठीक सुना आपने। और साथ साथ ये भी सुना है कि तुम हमारे मजदूरों को भड़का रहे हो और हमारी मिलों का ताला लगवाना चाहते हो। गलत सुना है आपने ये। मैडम, मैं तो गरीब और मजलूम साथियों को उनको अपने हक दिलवाना चाहता हूँ। संतोष, हमने हमेशा तुम्हारा भला चाहा है और हमेशा तुम्हें अपने बेटे की तरह समझा है। जी? बेटा और मैं? हाँ बेटा, तुम्हें काम से निकालने के बाद हमें अपनी गलती का एहसास हुआ, इसलिए हर जाने के तौर पर ये 1,00,000 रुपए। कल से आकर अपना काम संभालो। जी? ऑफ कोर्स विद प्रमोशन। रुपया, ये रिश्वत, रिश्वत! हमारे समाज, हमारे देश की जो दुर्दशा है, उसकी जड़ रिश्वत है, रिश्वत, भ्रष्टाचार। मैडम, लक्ष्मी का अपमान नहीं करते, मगर ये काला धन है, ये रहा आपका काला धन। संतोष, जानते हो, हमसे टकराओगे तो तबाह और बर्बाद हो जाओगे। वाह वाह, अभी तो आप मेरी मां बनने का दावा कर रही थी और अभी फांसी की धमकी। कितने रंग हैं आपके? मैडम, आपके आपके पास इतना धन है, इतना धन है, इतनी दौलत है, जिसे आप उंगलियों पे भी नहीं गिन सकती, और आप उसी दौलत, उसी धन के नीचे खुद भी दब चुकी हैं और आपकी आत्मा भी दब चुकी है, इसलिए किसी गरीब, किसी मजलूम की चीखो पुकार आपके कानों तक नहीं पहुंचती। संतोष, मैडम आपको धन दौलत और कुर्सी की जरूरत नहीं, अगर जरूरत है तो मन की शांति, सुख चैन और संतोष की जरूरत है। इस संतोष का मंत्र मुझे नहीं, अपने मजदूरों को जाकर बेचो। मैडम, मालिक और मजदूर एक गाड़ी के दो पहिए हैं, मालिक का पैसा और मजदूर का पसीना दोनों बराबर के हिस्सेदार हैं, कोई किसी पर एहसान नहीं करता। माय फुट। मैडम, मालिक मालिक होता है और मजदूर मजदूर है, ये बात तुम ठीक से समझ लो, वरना वरना क्या? वरना पछताओगे। संतोष भैया, मैडम ने अहमद भाई का केस भी कोर्ट से खारिज करवा दिया। लेबर कोर्ट ने हमारी मांगे भी रद्द कर दी। यही नहीं, मैडम ने हमारे बहुत से वर्करों को काम से निकाल दिया। मैं मैडम के दफ्तर में गया था। हाँ हाँ, मैडम के दफ्तर में गया था, ये उसी का जवाब है। साथियों, अब सिर्फ एक ही उपाय है और वो उपाय है भूख हड़ताल, मरम्मत। कल सूरज उगने के बाद ना तो मैं कुछ खाऊंगा और ना कुछ पीऊंगा। ना जाने क्या होगा। भगवान, मेरे संतोष की रक्षा करना। कमेन। मालकिन, बड़ी मुश्किल से हड़ताल के 8 आदमी तोड़ पाया हूँ। कहाँ है वो? बाहर है। उन्हें अंदर बुला। बहुत अच्छा, आओ भाई आओ।
नमस्ते। आप लोगों ने आड़े वक्त में हमारा साथ दिया है, वक्त आने पर हम भी आप लोगों के लिए जान की बाजी लगा देंगे। देखो जी, ये कुछ रुपए हैं जी, इन लोगों में बांट दो। चलो भाइयों, ये आपस में बांट लो। थैंक यू मालिक, शाबाश। चलो साथियों, चलो साथियों, अभी से काम शुरू कर दो। और ये सबसे भारी लिफाफा तुम्हारे लिए। शुक्रिया। समझ गए ना आज रात को तुम्हें क्या करना है? जी मालकिन, आज रात सिर्फ इन्हीं लोगों के घरों में आग लगी। आग! अरे आग लगी को जाओ! आग! कोई पानी तो लाओ, जल्दी भागो। आग! आग! हाय राम, ये बच्चा तो बहुत ही जल गया है। नर्स, इसका इमीडिएटली इलाज करो। लो। हे भगवान, ये आग कैसे लग गई? मालकिन, आज आधी रात को हमने संतोष को इस बस्ती में घूमते हुए देखा था। झूठ! मालकिन, ये देखिए, हरि सिंह और संतोष के झोपड़े से ये मिट्टी का तेल और ये जली मशाल निकली है। ये भी झूठ है, झूठ है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, गंगा जल की कसम मालकिन, ये अजीब इत्तेफाक है कि उन्हीं लोगों के घर को आग लगाई गई है जो आपके वफादार हैं। मालकिन, यही लोग हैं जो कल मिल में काम करने आए थे, संतोष ने इनको बहकाया था, इसके बावजूद भी काम करने आए थे। इसका मतलब ये सब काम संतोष का है। मर गया मैडम, दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन ये सही है कि ये लाख रुपए का बंडल इसी मकान से निकला है। मैडम अविनाश, ए अविनाश, तू तू क्यों झूठ बोल रहा है? मैं झूठ बोल रहा हूँ? और देखिए मैडम क्या कह रही है, मैं सच कह रहा हूँ, देखिए ना। हाँ, झूठ! मेरे झोंपड़े में लाख रुपए कहाँ से? मेरे पास तो दो वक्त की रोटी के लिए पैसे भी नहीं। ये आदमी तुम लोगों का दर्द और फरियाद लेकर हमारे पास आया था। तुम आए थे या नहीं संतोष? जी आया था। संतोष ने हमें सुझाव दिया, अगर 1,00,000 रुपया हम इसे खिला दें, तो ये 2 महीने के बोनस की बात को दबा देगा। ये झूठ है, गलत है। ये 1,00,000 रुपया इस बात का सबूत है। अहमद भाई ने सौदेबाजी की बात सुन ली थी। इससे पहले कि अहमद भाई संतोष के काले कारनामों का बांडा फोड़े, शायद इस जालिम ने उसे अपने रास्ते से हटा दिया। इस आदमी की बेशर्मी और जलालत की हद देखिए। अहमद भाई को मरवाने के बाद उसी की मौत का मुआवजा ये कंपनी से मांग रहा है। संतोष ने हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश की, तो हमने इसे नौकरी से निकलवा दिया। इसके बदले में इस आदमी ने हमारी मिलों को ताले लगवा दिए और हमारे वर्कर्स के झोपड़ियों को आग लगवा दी। अब मुझे और कुछ नहीं कहना। अब मैडम, मैडम ये लीजिए वो रिपोर्ट। आपके कहने के मुताबिक हमने हर दफ्तर में टेलीफोन करवा दिए हैं। अब संतोष भैया के पास कोई चारा नहीं रह जाएगा मैडम, सिवाय इसके कि वो क्वारीज में जाकर पत्थर तोड़े। शाबाश अविनाश, तुम्हें इसी वक्त कंपनी का मैनेजर बनाती हूँ। थैंक यू मैडम। हेलो, और सुनो, संतोष को कहीं भी काम नहीं मिलना चाहिए, समझे? भाभी, रचना तो घर छोड़ के चली गई। चली गई? हाँ। क्यों? चिट्ठी छोड़ कर गई है, लिखा है तुम सब लोगों के पापों का प्रायश्चित करने के लिए घर छोड़ कर जा रही। मगर कहाँ गई? संतोष के पास। रचना जी, आप?
अब तुम मुझसे ये मत पूछना मैं यहाँ क्यों और कैसे आई। हर इंसान को अपनी मर्जी से जिंदगी जीने का हक है। हाँ, लेकिन हक का नाजायज फायदा भी तो नहीं उठाना चाहिए। हक? काश ये बात अगर तुमने कविता से कही होती। मैंने रचना जी से कई बार कहा कि रचना जी घर लौट जाइए। तो पहले क्यों नहीं आती? फूलों में पली भी क्यों अपने आप को खचिटा इन पत्थरों में? मैं फूलों में नहीं पत्थरों में पली, और पत्थर की बेटी आज अपने आप को फूलों में ले आई है। मुझे विश्वास नहीं। विश्वास कीजिए मालकिन पे। सेठ जी, मुनासिब यही है कि बहस को बीच में ही रोक दिया। आइए चलिए। तरस आता है इस पर। अब तरस खाने की कोई जरूरत नहीं है सेठ जी, आप बैठिए अंदर। यूनियन लीडर मुर्दाबाद, यूनियन लीडर मुर्दाबाद।
बात क्या है? संतोष भैया ऐसा है, हमने आपके कहने पर इस पर कड़ी नजर रखी और तब पता चला कि आप पर लगाए गए सारे इल्जाम गलत थे और इस जलील ने सारा यूनियन का फंड खा लिया और यूनियन को कुंदन के हाथों में बेच दिया। संतोष भैया हमको माफ कर दो, हमसे भारी भूल हो गई, हमने इस यूनियन लीडर के बहकावे में आकर आपको पत्थर मारे, हमें माफ कर दो। ठीक है ठीक है। देखो आज से तुम लोगों के लीडर संतोष जी हैं। मैं अपने साथियों से अलग ही कब था। बोलो संतोष भैया, जिंदाबाद भैया, जिंदाबाद। कुछ भी हो अब तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी, अभी और इसी वक्त। अब मैं और इंतजार नहीं कर सकती। इंतजार करना भी नहीं चाहिए, कोई जल्दी से अच्छा से लड़का देखकर उससे शादी कर, शादी का सारा खर्चा मैं दूंगा। बहुत भोली है तुम, क्या कर लोगे तुम? बोलो। मैं कविता दीदी को बताऊंगी, मैं अपने भाइयों को बताऊंगी कि तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की है। मैं सारी दुनिया को चीख चीख के बताऊंगी कि तुम जैसे शैतान का असली रूप क्या है। यस बॉस। क्या तुम अच्छी तरह से जानते हो इसके साथ क्या करना? हेलो दीदी, मैं मुन्नी बोल रही हूँ। क्या बात है मुन्नी? दीदी कुंदन बहुत बुरा आदमी है, वो कुछ भी कहे उसकी बातों को विश्वास मत करना दीदी। लेकिन हुआ क्या? मेरे पेट में उसका बच्चा है, उसने मेरी जिंदगी। मुन्नी 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 क्या बोलती क्यों नहीं? बेटी सरिका ने तुम्हें फोन पर जो कहा था वो संतोष को बता क्यों नहीं देती? वो बात अधूरी है पिताजी, मैं उसे पूरा करूंगी। मैंने संतोष को बहुत दुख दिया है, ये सबूत हासिल करने के बाद मैं अपने गुनाहों का प्रायश्चित करूंगी। यस हेलो मर्डरर। कौन तुम? ये क्या बकवास है? सरिका का खून तुमने करवाया है, अहमद भाई की मौत के पीछे भी तुम्हारा हाथ है। हेलो 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 कर दो। हेलो हेलो मर्डरर। अरे क्या बकते हो? सरिका का खून तुमने करवाया है, समझे? हेलो 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 बास्टर्ड। अरे ये क्या है? तुम भी? क्यों नहीं, हम दोनों जीवन साथी बनने वाले हैं, मैं तुम्हारी हर खुशी में शामिल होना चाहती हूँ। एतराज है क्या? एतराज मुझे? क्यों? Come on, let's cheer up, button that। हेलो हेलो मर्डरर, सरिका का खून? सरिका का खून? अहमद भाई की मौत के पीछे तुम्हारा हाथ है। अहमद भाई का खून? ये इसका मतलब ये सब सही है? मेरा क्या होगा कुंदन? तुम तो खामखा रो रही हो डरे, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, किसी के पास कोई सबूत नहीं कि ये कत्ल मैंने करवाया। लेकिन ये सब तुमने क्यों किया? ये सब कुछ मुझे तुम्हें पाने के लिए करना पड़ा डाले, इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं था। सारी काम हाँ हाँ बोलो, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, बोलो ना। नहीं डाले, ये सारिका एक बहुत ही चल्लाक और मकार लड़की थी। एक रात वो मेरे साथ मुझे फुसला कर सो गई, उसके बाद मुझे ब्लैकमेल करने लगी कि उसके पेट में मेरा बच्चा है। अब मुझे पता चला कि मेरी बहन की जिंदगी किसने बर्बाद की। खबरदार, जो मेरे होने वाले पति की शान में गुस्ताखी की तो गोली मार दूंगी। क्या तुम मुझे गोली मारोगी? तुम उन सारे रिश्तों को भूल गई? रिश्तों की दुहाई देते हुए शर्म नहीं आती? गुस्से के लालच में तुमने संतोष के साथ क्या किया? अपनी बहन मुन्नी के साथ क्या होने दिया? इसके जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। बेहतर यही होगा कि तुम अपना काला मुंह लेकर यहाँ से दफा हो जाओ।
रिश्तों की दुहाई देते हुए शर्म नहीं आती? कुर्सी के लालच में तुमने संतोष के साथ क्या किया? अपनी बहन मुन्नी के साथ क्या होने दिया? इसके जिम्मेदार सिर्फ तुम हो, तुम। यही है वो बेरहम कुर्सी। हाँ हाँ, ये रही वो बेरहम कुर्सी। अविनाश, अविनाश, कुर्सी बेरहम नहीं होती। होती है भैया, होती है। ये कुर्सी ही तो है जो मोम को पत्थर और स्वर्ग को नर्क बनाती है। यही वो कुर्सी जिसके चक्कर में इंसान इंसान नहीं हैवान बन जाता है। असली दोषी तो मैं हूँ, असली अपराधी मैं हूँ, जो एक लालची भेड़िया की तरह आंखों पे पट्टी बांध कर सच्चाई को देखने से इनकार करता रहा। वो गुनहगार मैं हूँ रचना, जिसने कविता का प्यार छीन कर कुंदन जैसे शैतान की गोद में धकेल दिया इस कुर्सी के चक्कर में। मैं हूँ मुजरिम हूँ, जिसने मुनीम दीन दयाल पर गबन का इल्जाम लगवाया इस कुर्सी की खातिर, इस हराम खोर कुर्सी की खातिर। अविनाश मेरे भाई, तुम जीत गए, तुम जीत गए, वरना बड़े बड़े लोग कुर्सी पर बैठकर छोटे हो जाते हैं और फिर तब तक उसका साथ नहीं छोड़ते जब तक वो शमशान घाट में जाकर जल नहीं जाते। लेकिन अविनाश, तुमने कुर्सी का चक्रव्यूह तोड़ दिया, तुम जीत गए। संतोष भैया, आपका टेलीफोन। हेलो, कविता, बात क्या है? ये महज तन्हाइयां, दर्द की अंगड़ाइयां, मौत की परछाइयां, यार मैं बेचैन हूँ, आज मैं बेचैन हूँ, यार मैं बेचैन हूँ, आज मैं बेचैन। कविता। हाँ। कैसी हो? अब अच्छी हो जाऊंगी। आज अचानक याद कैसे किया? मैं भूली ही कब थी। हेलो, हेलो, हेलो। हाँ। हाँ। मुझे तुमसे एक जरूरी काम है। कहो तो। तुम घर आ सकते हो? हाँ, कब? अभी, इसी वक्त। सब ठीक तो है ना? मैं जान गई हूँ अहमद भाई को किसने मारा और किसने मरवाया। और मैं जान गई हूँ सरिका के जीवन के साथ किसने खेला। किसने? कुंदन ने। कुंदन? हाँ, कुंदन। मेरे पास तमाम सबूत एक टेप में है और वो टेप उसे फांसी के फंदे तक पहुंचा सकती है। तुम यहाँ जल्दी चले आना। मेरे पास टेप में कुछ नहीं है। कुंदन, अहमद भाई के कातिल, मेरी बहन मुन्नी के कातिल, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चला, पकड़ इन दोनों को और ले चलो अपने ठिकाने, ले चलो इनको। अविनाश, आओ मेरे साथ। अरे तुम तो मार खा कर डीट हो चुकी हो, तुम्हें मारने से कोई फायदा नहीं। इधर देख, नादान लड़की, अपने संतोष को देख। इसे मैं तड़पा तड़पा कर मारूंगा और तू इसे मार खाता हुआ नहीं देख सकेगी। इससे पहले कि तुम्हारा इंजीनियर दम तोड़ दे, तुम्हारी जिद टूट जाएगी। अरे इतनी जल्दी? अभी तो इसने बहुत मार खानी है, बहुत मार खानी है। कम ऑन शेरा। संतोष, तुम ठीक तो है ना? हाँ, तुम्हारे होते हुए मुझे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा कविता।
तो मेरी आवाज में आवाज मिला, मेरे साथ गाओ। बड़े प्यार से सुन रहा है जमाना, बड़े प्यार से सुन रहा है जमाना, हमारी जुबानी तुम्हारी कहानियों लगने लगी आजकल। संतोष, क्या हुआ, क्या हुआ? संतोष, संतोष। साले ने इतनी मार खाई तो कुछ नहीं हुआ, माशूक ने आवाज में आवाज नहीं मिलाई तो बेहोश हो गया। शेरा, इसके मुंह पर पानी मारो और इसे होश में लाओ, और जब ये होश में आए तो इसे इतना मारो इससे भी होश हो जाए। नहीं गुंदन, नहीं, भगवान के लिए संतोष को छोड़ दो, मैं हाथ जोड़ती हूँ। मैं भी तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, मुझे सिर्फ वो टेप दे दो जिसमें तुमने मेरी आवाज सुनी है। ना, ना कविता, मत बताना, तुम्हें मेरी सौगंध। कुंदन भैया, वो टेप मेरे पास है। गुड, वेरी गुड, लाओ मेरी गुड़ी गुड़ी सिस्टर, ये टेप मुझे दे। पहले इन्हें खोल दो। क्यों? क्योंकि कविता मुझे अपनी जान से भी प्यारी है। ठीक है, कविता को खोल दो। संतोष को भी। संतोष को क्यों? क्योंकि संतोष कविता को जान से प्यारा है। जान से प्यारा? रचना, तुम इस आराम खोर संतोष को नहीं जानती, ये कौन है और क्या है, इसे तो मैं अभी खत्म ये क्या है? तुम्हारा पाप है साले, तुम्हारा पाप है। मेम साहब, जरा वो टेप देना। ये टेप जो तुम्हें फांसी के फंदे तक ले जाएगा, मेरी मुट्ठी में बंद है। देखो, मैं तुम्हारा बॉस हूँ, मैंने तुम्हें कुर्सी दी है। उस कुर्सी की तो मैंने माँ बहने कर दी है, और अब तुम्हारी बारी है। जल्दी से कविता और संतोष भैया को खोल दे, वरना इस रिवॉल्वर की एक गोली तुम्हारी पांचों इंद्रियों को हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद करके रख देगी। खोल। कुत्ते, मेरे भाई का ये हाल किया तूने, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। देखो, अगर तुम गोली चलाओगे तो तुम्हें फांसी हो जाएगी। ऐसे देवता समान भाई के लिए मैं एक जन्म में तो क्या हर जन्म में फांसी चढ़ने को तैयार हूं। कुंदन बाबू, ये टेप खाली है, हाँ, सुन के देख लो। गैर तो गैर अपने भी हाँ। कुंदन, सच्चाई की सड़क को झूठ का शमशान घाट मत बनाओ, अब भी वक्त है। हाँ वक्त है, बहुत वक्त है। इस रिवॉल्वर में 6 गोलियां इस हरामखोर संतोष को खत्म करने के लिए ही तो है। Thank you.
भाग चलो। बारूद वाले को था मैं सराम और अविनाश और कविता को बंद कर दो। क्या रचना? रचना जी मर जाने दिया होता मुझे, आपने मेरे लिए अपनी अपनी जान नहीं। तुम्हारे लिए मरना जीने से कहीं ज्यादा। रचना 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 मेरी बहन रचना, क्या हो गया क्या हो गया? संतोष बाबू ये मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है, मैं पापी हूँ, कमीना हूँ, कुत्ता हूँ। पापी? इस बात पे किसी को कोई शक नहीं कि आप कुत्ते हैं, आप कमीने हैं, कमीने। संतोष बाबू मेरी इस नापाक जिंदगी को अपने हाथों से खत्म कर दीजिए, अपने हाथों से खत्म कर दीजिए संतोष बाबू। कुंदन बाबू संतोष कानून को अपने हाथ में नहीं लेता। लेकिन कुंदन हमेशा कानून को अपने हाथ में ले लेता है। मतलब ये कि इस रिवॉल्वर पर तुम्हारी उंगलियों के निशान और मेरे ये तमाम आदमी चश्मदीद गवाह हैं कि ये कत्ल तुमने किया है। रचना 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 कुंदन क्या हुआ इसे? देखा बा मेरी फूल जैसी बहन का इस कमीने ने कत्ल कर दिया। रचना ने ना जाने की और दाल में इसका साथ देने से इनकार कर दिया तो इसने इससे जान संभाल डाला। ये तो अच्छा था कि ये तमाम आदमी यहाँ से, वरना ये जालिम मुझे भी मार डालता। ये झूठ है, गलत है, ये झूठ है। रचना की लाश इस रिवॉल्वर पर तुम्हारी उंगलियों के निशान झूठ और सच को साबित करेंगे। कुंदन बाबू, कुंदन बाबू, तुमने सिर्फ अपनी बहन रचना का खून नहीं किया, तुमने मेरी बहन, मेरी मुन्नी का खून भी तुमने किया। लेकिन इसका सबूत? इसका सबूत एक टेप, टेप में आपके बेटे की आवाज और उसमें इसके कबूल किए हुए एक एक गुनाह। क्या ये सब सच है? नहीं, सच बोलो। नहीं माँ। खामोश। नहीं मैं। इसका मतलब है रचना का खून तुमने किया। मा, नहीं माँ। इसी वक्त पुलिस। माँ, माँ मेरी बात तो सुनो। शट अप। हेलो, पुलिस स्टेशन। पुलिस आ रही है, मैं तुम्हारा इकलौता बेटा, मुझे बचा। खामोश। लक्ष्मी देवी, इंस्पेक्टर खान। इंस्पेक्टर, ये रही लाश और ये है पिस्तौल। और कातिल? मेरा बेटा जी? मेरा मतलब है मेरे बेटे समाल, मेरा नौकर संतोष। मालकिन, यू आर अंडर अरेस्ट। इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर साहब, ये रही पिस्तौल जिस पे इसकी उंगलियों के निशान भी है। ये झूठ है, झूठ। कमान, याद रखना मालकिन, पछताओगी। संतोष। हाँ बेटा। हाँ, क्या हालत बना दी है मेरे लाल की? ये मालकिन तेरे जान की दुश्मन क्यों बनी हुई है? छोड़ो माँ, ये बताओ कि अविनाश और कविता का कुछ पता चला कि नहीं? कुछ पता नहीं चला, समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। चिंता मत करो माँ, अपना अविनाश भी मिलेगा, कविता भी मिलेगी, और लक्ष्मी देवी ने जो फांसी का फंदा मेरे लिए तैयार किया ना, मैं उसे तोड़ के रख दूंगा। देख, लक्ष्मी देवी तेरी माँ है। नहीं, नहीं। मेरी माँ तो तू है, ये लक्ष्मी देवी
लक्ष्मी देवी मेरी माँ नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। लक्ष्मी देवी ही तेरी माँ है, देख मैं उसे जाकर सब कुछ बता दूंगी। नहीं। हाँ सब ठीक हो जाएगा, तू बच जाएगा। माँ ये लॉकेट देख कर उसकी सोई हुई आत्मा जाग जाएगी। हाँ ये सब झूठ है, ये सब सच है। सच्चाई और नेकी की दुनिया से मुंह फेर कर छल और कपट का जीवन जीने वाली औरत अगर सच सुनना चाहती है तो सुन। जिस आदमी के लिए कत्ल का झूठा इल्जाम लगाकर तुमने फांसी का फंदा तैयार किया है, जानती हो कौन है? वो कोई गैर नहीं, तुम्हारा अपना खून है, तुम्हारा अपना बेटा। क्या बकती हो? मैं बक नहीं रही, तुम्हारी आंखें खोल रही हूँ। संतोष तुम्हारा पहला बेटा है, जिसे दिवाली की रात तुम अपने पति की बाहों में छोड़कर भाग गई थी। हाँ नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या क्या सबूत है तुम्हारे पास? सबूत? ये है वो लॉकेट। माएं तो अपने बच्चों के लिए जान तक दे देती हैं। तुम कैसी माँ हो जो अपने बच्चे की जान लेने पे तुली हुई हो? कल जब जज अपना फैसला सुनाकर कलम तोड़ देगा तब तुम अपना खूब जश्न मनाना। हाँ खूब जश्न मनाना, लेकिन इतना याद रखना कमला, ममता के इतिहास में तुम्हारा नाम काले अक्षरों में लिखा जाएगा, काले अक्षरों में लिखा जाएगा। हाँ। आप किससे मिलने आएंगे? जो मिलने को तो कई बार मिला, लेकिन मैं ही जन्मजली से पहचान न सकी। जन्मजली और लक्ष्मी देवी? लक्ष्मी देवी नहीं संतोष, मैं तुम्हारे जीवन की रामायण की कैकेयी हूं। कैकेयी तो फिर भी सौतेली थी, मैं तो असली थी और असली हूं। लगता है आपने कोई सपना देखा है। मुझे तुम्हारी माँ ने सब कुछ बता दिया है, अब सपनों का चक्र भी टूट गया, बरसों का अंधेरा छट गया। जब सच के शीशे में देखा तो मुझे लक्ष्मी देवी नहीं, संतोष की माँ कमला दिखाई थी। कमला, वो कमला जिसने अपने पति का साथ छोड़ दिया, वो कमला जिसने अपने बेटे को एक ऐसी पगडंडी पे डाल दिया जिस पे कदम कदम पे ठोकरें थी, वो कमला जो अपने बेटे के पहनने के लिए एक कपड़ा तो ना बुन सकी, लेकिन हाँ फांसी का फंदा जरूर तैयार कर दिया। हाँ हाँ मैं वही कमला हूँ जो पहले पहले दौलत के हाथों बेबस थी और आज हालात के हाथों। हाँ हाँ आप बेबस हैं, आप ना तो झूठ बोल सकती हैं और ना ही आप सच बोल सकती हैं। मुझे क्या करना है उसका फैसला मैं कर चुकी हूँ। मुलाकात का वक्त खत्म हो गया। आने का धन्यवाद। अब चलो। सुनो ए? तुमने हमेशा मुझे मालकिन कहा। हाँ? सिर्फ एक बार माँ कह दो बेटे। मुलाकात का वक्त खत्म हो गया मालकिन। मुलाकात का वक्त खत्म नहीं हुआ बेटे, मुलाकात का वक्त अब शुरू हुआ है। जीते रहो, जीते रहो। माँ तुम खुद गाड़ी चला के आई हो? कुंदर, अरे तुम्हारी आंखों में आंसू। मैंने फैसला कर लिया है माँ कि कल मैं अपने आप को कानून के हवाले कर दूंगा। हाँ संतोष, अगर तुम्हारा बड़ा बेटा है
मेरा भी तो बड़ा भाई है। पर तुम्हें तुम्हें ये कैसे मालूम हुआ? संतोष की माँ ने जो कुछ तुम्हें कहा मैंने सब सुन लिया है। माँ तुम संतोष को अपना लो, तुम्हारे गुनाह धुल जाएंगे। मैं भी अपने आप को कानून के हवाले कर दूंगा, मेरे गुनाह भी धुल जाएंगे। चलो माँ बैठो। गाड़ी क्यों रुकी? वो सबूत के लिए टेप और कागजात शेरा के पास है। शेरा? लेकिन सर, लेकिन सर, सर के बजट जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। चलो दरवाजा खोलो जल्दी। आओ मां तुम्हें सबूत दूं। शेरा अगर ये बुढ़िया ज्यादा चीखे चलाए तो इसका मुंह भी वैसे ही बंद कर देना जैसे आज तक दूसरों का करते आए हो। जी। कुंदन मर गया तुम्हारा बेटा कुंदन। अब सच तुम्हारा एक ही बेटा है कुंदन। संतोष। कुंदन कह रहा था कल संतोष के सारे साथियों को उड़ा दिया जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अविनाश, कविता, काका हरि सिंह सब कुंदन के कब्जे में है। हाँ भैया माँ भी घर पे नहीं है। तुम लोगों ने थाने में रिपोर्ट की कि नहीं? थाने में रिपोर्ट कराने गए थे लेकिन वहाँ थाने का इंचार्ज ही नहीं था। टाइम हो गया। किसका टाइम हो गया? मुलाकात का। सुनो तुम कुंदन और शेरा के पीछे पीछे रहो, कुछ करो जाओ। जमानत मेरी हो ही नहीं सकती, साथियों को छुड़ाना जरूरी है लेकिन छुड़ाऊं तो कैसे छुड़ाऊं और जेल की चार दीवारी से भागूं तो कैसे भागूं? संतोष भाई हैं? तुम्हारे दोनों हाथ जो मेरे बच्चों को खाना खाते रहे उन हाथों को जकड़कर तुम्हें इस कोठरी में कैद कर दिया गया। और लानत है मेरे हाथों पर क्यों? कि इस कोठरी को ताला भी मैंने लगाया और साली चाबी हवलदार को देनी पड़ी। बच्चे कैसे हैं? बच्चे सरकारी क्वार्टर में है बाहर। अदालत कल फैसला करेगी। अदालत फैसला कल क्या करेगी? फैसला तो मैं आज कर लिया। मतलब महीने में एक बार कैदियों को जेल के अंदर जश्न मनाने की इजाजत दी जाती। अल्लाह कसम ऐसा जश्न मनाऊंगा कि सब देखते रह जाएंगे। मैं समझा नहीं। आज पहली बार ये तीन तिग्गिया है ना, ये तीन यक्कों को मारेंगे। Yeah.
दिन का जीवन है, चार दिन का जीवन है, उस हिम्मत से गुजारो। चार दिन का जीवन है, उस हिम्मत से गुजारो। गर मुसीबत आन के घेरे तो उसका नाम पुकारो, तो उसका नाम पुकारो। क्योंकि क्योंकि तेरा अल्लाह बेली, तेरा मौला बेली, तेरा अल्लाह बेली, तेरा मौला बेली। कोई मुस्कुराता चेहरा घबराता है, उस वक्त दिल इकबाल का शेर दोहराता है। खुदी को कर बुलंद इतना के हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है, रज़ा क्या है, रज़ा क्या है, तीजाह क्या है, तीजाह क्या है, तेरी राह क्या है। अरे बचने की राह हम सो चुके हैं, रस्ते सारे खो चुके हैं। क्योंकि क्योंकि तेरा अल्लाह बेली, तेरा मौला बेली, तेरा अल्लाह बेली, तेरा मौला बेली। मर्दा मद दे खुदा, करना ना तू किसी की परवाह। हिम्मत मर्दा मद दे खुदा, करना ना तू किसी की परवाह। तू मन में अब ये ठान ले और बात हमारी मान ले। तू मन में अब ये ठान ले और बात हमारी मान ले। क्योंकि रात ढलने वाली है, क्योंकि बात बनने वाली है। देखो दाएं भी देखो, बाएं भी देखो, दाएं भी देखो, आगे भी देखो, पीछे भी देखो, आगे भी देखो, पीछे भी देखो। कर बात समझना आई हो, कर बात समझना आई हो, तो फिर हमारी आँख में देखो,
क्योंकि क्योंकि हो तेरा अल्लाह बेली तेरा मौला बेली तेरा अल्लाह बेली तेरा मौला बेली तेरा अल्लाह बेली तेरा मौला अल्लाह मेरे गुनाह माफ कर दे संतोष की मदद कर मेरे अल्लाह बिस्मिल्लाह रहमान रहीम ला इलाहा इल्लल्लाह उठो शेरा मेरे पास वक्त नहीं जल्दी मेरे सवाल का जवाब दो कौन से सवाल मेरे साथी मेरी कविता कहाँ है साथी साथी तो हमारे मालिक के कब्जे में है और कविता उसे तो भी बहुत से हाथों से गुजरना पड़ेगा चेरा शेर का बच्चा है देखा मेरा जिस्म तुम्हारा जिस्म हाथी का लेकिन दिल चूहे का क्या मतलब मतलब तुम्हारा आगा हाथी का और पीछा गीदड़ का है हराम ज़ादे मालिक ये घटिया सी मूर्ति मेरी मां मरने से पहले ले आई थी तुम्हें इनकी इनकी शक्ति का अंदाजा नहीं जहर जहर को मारता है तेरे हाथ में लोहे की मूर्ति है और मेरे हाथ में ये लोहे का हैंडल एक ही वार में दो टुकड़े कर दूंगा तेरे साईं बाबा के सुब्रमण्यम सुब्रमण्यम शंखनाथ सुब्रमण्यम अल्लाह साईं मौला साईं मौला साईं अल्लाह अब इसका सर होगा और आपके पावन चरण हाँ बाबा कान खोल कर सुन लो आदर्शवादी संतोष के साथियों तुम लोग बारूद के कमरे में बंद हो बारूद के कमरों के साथ साथ तुम भी तबाह हो जाओगे और कानून को मेरे खिलाफ कोई सबूत या निशान नहीं मिलेगा अविनाश बाबू आप बारूद से उड़ने जा रहे हैं अपने साईं बाबा को याद कर लीजिए हो सके तो आपको बचा ले हाँ। जिस गोदाम में मेरा परिवार बंद है ना उसे कुछ नहीं होगा क्योंकि मैंने कनेक्शन बदल दिए हैं आज तक मैं तुझे मारने के लिए अपने वक्त आया करता रहा लेकिन अब नहीं छोड़ूंगा मूर्ख देख तूने अपने ही आदमी को मार डाला अरे ओ नादान संतोष यहां है कुंदन बहुत तीस मार खां समझ तो अपने आप को कि आवाज पे निशाना लगाओगे इससे पहले कि ये कमबख्त संतोष इस धुएं का सहारा लेकर अपने साथियों को बचाए हैंड ग्रेनेड से गोडाउन को ब्लास्ट कर दो उड़ा दो इसे तुम
हाँ मैं। मैं जानता हूँ मम्मी, अगर तुम संतोष को बर्बाद करने से बाज नहीं आई तो उसे बचाने से भी बाज नहीं आओगी। तुम सच बोलोगी और तुम्हारा सच मुझे फांसी के तख्त पर ले जा सकता है। बड़ी ठीक हो तुम। इसलिए मेरी प्यारी मम्मी, मेरे सामने अब तुम्हें सिर्फ गोली से उड़ा देने के अलावा और कोई रास्ता नहीं रहा। आई एम सॉरी, आई एम हेल्पलेस। ये तो क्या कर रहा है कुंदन? कुंदन देख मेरे भोले भाले ये दोस्त साथियों के चेहरे। खोल ये दरवाजा, खोल। खुलता हूं। अब बच के कहा जाएगा? ये क्या क्या आपने? जो मुझे बहुत पहले करना चाहिए था। हम आग लगा देंगे, हम आग लगा देंगे, हम लगा देंगे, नहीं नहीं। खबरदार जो किसी ने मालकिन पे हाथ उठाया तो। इन्हें मत रोको अविनाश, आप लोग मुझे जो भी सजा दे कम है, मुझे अपने पापों का प्रायश्चित करने दीजिए। नहीं मालकिन, नहीं। आप अपने ही हाथों से अपने बेटे को गोली से उड़ाकर अपने पापों का प्रायश्चित कर चुकी हैं। उस दिन अगर संतोष की बात मेरी समझ में आ जाती तो आज ये नौबत नहीं आती। उसने ठीक ही कहा था, मालिक और मजदूर दोनों बराबर के हिस्सेदार हैं। आज से मेरा सब कुछ तुम लोगों का है, तुम लोगों का। मालकिन जिंदाबाद। अरे बोलो संतोष भैया जिंदाबाद। संतोष भैया जिंदाबाद। संतोष भैया जिंदाबाद। संतोष भैया जिंदाबाद। संतोष भैया। इंस्पेक्टर साहब, मैंने अपने बेटे कुंदन का खून किया है, मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। कानून आपके साथ पूरा पूरा इंसाफ करेगा। जी हाँ इंस्पेक्टर साहब, अपराधी मैं भी हूँ, जरूरत पड़ी तो जेल से भागा, मुझे भी ले चलिए। आप फिक्र मत कीजिए, कानून आपके साथ भी पूरा पूरा इंसाफ करेगा। संतोष, मैं सब तुम्हारे साथियों की दोषी हूँ, तुम्हारी दोषी हूँ, तुम्हारे तुम्हारे स्वर्गीय पिता की दोषी हूँ। हाँ संतोष, कितना सच कहा था तुमने, इंसान को जीवन में मन का सुख, चैन और संतोष चाहिए। मुझे दौलत तो मिले मगर तुम नहीं मिले, बेटा नहीं मिला। हाँ मैं जानती हूँ तुम एक आदर्शवादी बाप के बेटे हो, मुझे मुझे मां नहीं कहोगे? माँ, तुमने मुझे माँ कहा? हाँ माँ। संतोष, घर में होगी संतोष को पालने वाली माँ, हो सके तो तुम भी मुझे माफ कर देना बहन, माफ कर देना। संतोष, कविता लिखते हो? अपनी कविता भूल गए? किस सोच में डूबे हो? यही कि कभी एक संतोष होता था शायर, गजल बन गई हाय उसकी कहानी।